हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास रहेगी, 10th पहले वाली 9 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्जाम के लिए। इस सीरीज में हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट आस हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी इत्यादि। इस सीरीज में हम 1000 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पे करके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेली टॉपिक वाइज तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताती, बल्कि जिस भी क्वेश्चन या टॉपिक से मेरे को लगता है कि यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो आगे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे साथ में ही। शुरू करते हैं 121 से। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? करेक्ट आंसर रहेगा 7.4। 122, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? करेक्ट आंसर रहेगा डी, मध्य प्रदेश ने। 123, किस विटामिन की कमी से रिकेटस सूखा रोग की बीमारी होती है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए विटामिन डी। विटामिन वाले टॉपिक से भी टैट में क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टैट रहते हैं उन सभी के जीके पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों को केमिस्ट्री पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो विटामिन टॉपिक सभी प्रकार के जितने भी टैट हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो किसी ने भी ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपने खुद ही देख लेना कि कितनी बार ये वाला टॉपिक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है चाहे किसी भी स्ट्रीम को बने। तो इस वाले टॉपिक को जरूर करके जाएं। और अपने इसी चैनल पे मैंने विटामिन की पूरी वीडियो डाल दी है, हर एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो मैंने सब कुछ उस वाली वीडियो में करवाया हुआ है, तो आप वहां से ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिले तो आपने कमेंट कर देना है, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उस वाली वीडियो का, तो जरूर आपने ये वाला टॉपिक अपने टेट के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 124, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, तशिगंग में, ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। 125, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? इसी वाले ही पेपर में ये वाला क्वेश्चन दूसरी बार विटामिन से ही आ गया। करेक्ट आंसर रहेगा सी, राइबोफ्लेविन। तो खुद देख लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये वाला भी। 126, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, अजमेर में। 127, रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, 2010 में। 128, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? पहले आप यहां से थोड़ा सा और जान लीजिए। यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 में। ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जाता है, किसकी स्थापना कब हुई है। इसमें वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, यूएनओ के जो महासचिव हैं वर्तमान में, वो है एंटोनियो गुटेरेस, ये हैं यूएनओ के महासचिव। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, बाकी देश इसके सदस्य रहेंगे। 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर हो गए, और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य रहते हैं 10। सबसे पहले बात करेंगे अस्थायी सदस्यों की, तो अस्थायी सदस्य रहेंगे 5, जिनके नाम मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो नाम रहेंगे रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। ये पांचों के पांचों यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। अगर बात करें इसके अस्थायी सदस्यों की, तो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं 10। यहां से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी सदस्य कितने होते हैं यूएनओ के, वो होते हैं 10। और अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष के लिए इसके अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तो ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से टेट में बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए।
तो फिर अगर हम इस क्वेश्चन की ऑप्शनों में बात करें तो फ्रांस इसका स्थायी सदस्य है, चीन इसका स्थायी सदस्य है, इंग्लैंड इसका स्थायी सदस्य है, जो इसका स्थायी सदस्य नहीं है वो रहेगा जर्मन। तो 128 के लिए करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जर्मन। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा बी, TVR टाटाचार्य। ये 1983 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बने थे। कार्यकाल रहेगा लोकायुक्त का 5 साल का, तो इनका कार्यकाल था 1983 से लेकर 1988 तक। तो इतना आपने यहां से याद रखना है। थोड़ा सा हिमाचल में जो अदर प्रथम्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़े से यहाँ पे साथ में ही बता देती हूँ। प्रथम मुख्य आयुक्त, इनका नाम रहेगा NC मेहता। प्रथम उप मुख्य आयुक्त, इनका नाम है E.P. मून। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप राज्यपाल, इनका नाम है जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका नाम रहेगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डेट पूछी जाती है कि कब ये प्रथम बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये बने थे 24 मार्च 1952 को। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। प्रथम मुख्य सचिव, तो ये इनका नाम रहेगा के एल मेहता। तब आपने मेरी एक बात ध्यान से सुन लेनी है यहाँ पे ही। प्रथम मुख्य आयुक्त का नाम रहेगा NC मेहता और प्रथम मुख्य सचिव का नाम रहेगा KL मेहता। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पेपरों में चाहे मुख्य आयुक्त पूछा जाएगा चाहे मुख्य सचिव पूछा जाएगा, ऑप्शन में ये दोनों ही दिए होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पहले से ही ढंग से तैयार रखना आपने इस वाले क्वेश्चन को कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम जो मुख्य आयुक्त थे उनका नाम रहेगा NC मेहता और प्रथम जो मुख्य सचिव थे उनका नाम रहेगा KL मेहता। तो दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, इनका नाम रहेगा न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, उनका नाम रहेगा रामकरण सिंह। ये हैं कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के। प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है पालमपुर में, प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, उनका नाम रहेगा हेतराम कालिया। प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय जो कि है नौणी में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में, उनका नाम रहेगा MR ठाकुर। तो ये सारे के सारे आपने नाम याद रखने हैं। जब मैं टॉपिक वाइज तैयारी करवाऊंगी आपको बाद में, तो फिर आपको ये अलग से पेज पे मैं लिख के आपको बताऊंगी।
130 संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पीछे बताया हुआ है। करेक्ट आंसर रहेगा A 5। 131 सेल्सियस और फारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। 132 सीएनजी का पूर्ण विस्तार क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बड़े आसानी से दे सकते हो, तो ये आपके लिए काम रहेगा, कल के लिए कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना है। 133 सांबर झील कहाँ पर है? करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए शांता कुमार। इनकी और भी बहुत सी बुक्स रहेंगी जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, उनके नाम मैं आपको साथ में ही बताती हूँ। देशभक्ति, स्वामी विवेकानंद। लाजो, ये भी शांता कुमार जी की ही बुक है। कैदी, राजनीति की शतरंज, राजनीति की शतरंज। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की। मृग तृष्णा, मन के मीत, के मीत, ओ प्रवासी मीत मेरे, ओ प्रवासी मीत मेरे। फिर से सुन लीजिए, इनकी और बुक्स जो सारी की सारी बुक्स रहेंगी उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। मन के मीत एवं ओ प्रवासी मीत मेरे, मृग तृष्णा, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, शतरंज, देशभक्ति स्वामी विवेकानंद, लाजो, कैदी, और भी हैं इनकी बुक्स, वृंदा, क्रांति अभी अधूरी है, विश्व विजेता विवेकानंद। तो ये सारी की सारी जो हैं वो शांता कुमार जी की बुक्स रहेंगी। मेन जो आपने याद रखनी है यहाँ से वो रहेंगी हिमालय पर लाल छाया, लाजो हो गई, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की और मृग तृष्णा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 135 नागासाकी और हिरोशिमा पर अणुबम कब गिराया गया था? तो ये दो बार गिराया गया है। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दोनों ही ये 1945 में ही गिराए गए हैं जापान पे। जो हिरोशिमा पे सबसे पहले बम गिराया गया था, कई बार उसका नाम पूछा जाता है, तो उसका नाम रहेगा लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। अगर आपको टैट में ये वाला यहां से एक्स्ट्रा काम नहीं आएगा, मान लीजिए जैसे मैं लिटिल बॉय करवा रही हूँ, तो आपको किसी ना किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा आपका टैट में ही काम आ जाएगा, और कुछ आपका अगर ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, अगर वो टैट में नहीं आता है तो आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये वाला काम आएगा, क्योंकि मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देती हूँ जो कि मैंने इससे पहले किसी ना किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखे होते हैं। और नागासाकी में जो अणुबम गिराया गया था उसका नाम रहेगा फैटमैन। करेक्ट आंसर रहेगा 135 के लिए सी 1945 में। 136 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान की बात की जाए तो वो है राजीव कुमार। जितने भी आंसर दिए गए हैं ये पुराना पेपर रहेगा, तो उस टाइम के लिए ये सारे के सारे इसके ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही था, परंतु वर्तमान में ये चेंज हो चुके हैं, वर्तमान में रहेंगे राजीव कुमार।
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना होगा टैट के लिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि उस वाले कोर्स में आपको पूरी जितना भी सिलेबस रहेगा, पूरी जितनी भी क्लासेस रहेंगी, वो सारे का सारा आपको मुझ वाले कोर्स में करवाया जाएगा। अभी तक हमारे पास जो बच्चे हुए हैं वो हुए हैं HP JBT टैट के, आर्ट्स टैट के और नॉन मेडिकल के। तो आप लोग जिस जिसने भी अदर्स ने ये कोर्स लेना हो कमेंट कर दें और साथ में अपनी स्ट्रीम जरूर लिखें, क्योंकि जिसके हमारे पास कोर्स के, जिसके सबसे पहले हमारे पास जिस कोर्स के ज़्यादा बच्चे होंगे, हम उसी के लिए क्लासेस सबसे पहले लेकर के आएंगे। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, पुराने पेपर भी, एक्स्ट्रा भी, और जो जो वहाँ से टॉपिक बनेंगे वो सब कुछ आपको उस वाले कोर्स में करवाया जाएगा। अभी टाइम है, अगर किसी ने लेना हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।